अमेरिका, रूस और पाकिस्तान समेत कई देशों ने बुधवार को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इस बात की जानकारी वायुसेना ने दी। यहां अमेरिकी दूतावास ने रावत परिवार और दुर्घटनापूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के रूप में जनरल रावत ने भारतीय सेना में परिवर्तन के एक ऐतिहासिक दौर का नेतृत्व किया। बयान में कहा गया कि रावत अमेरिका के एक जिगरी दोस्त और भागीदारी थे, जिन्होंने अमेरिकी सेना के भारत के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूतावास ने बयान में कहा कि सितंबर में उन्होंने अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान सैन्य विकास और समान विचारधारा वाले देश के साथ हमारे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की थी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं भारतीय लोगों और भारतीय सेना के साथ है और हम ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने भी जनरल रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति और बहादुर सैनिक बताया। एलिस ने ट्वीट किया, दुखद समाचार, जनरल रावत एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक बहादुर सैनिक, एक अग्रणी शख्स और मेरे लिए एक उदार मेजबान थे। हम इस भयानक दुर्घटना में रावत सहित अन्य लोगों के जान गंवाने पर शोक व्यक्त करते हैं।